हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, ग्रेट। तो आप सब लोग यार यहाँ तक पहुँच गए हो तो इंजीनियर तो बन जाओगे, राइट? उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है। तो उससे आगे की कोई चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें अपना काम कुछ करना है? आईआईटी के बच्चे एम्बिशियस तो हो सबने, स्टार्टअप कितने वाले बच्चे हैं? तुम क्या क्या सोचा? और हेडफोन? हाँ, बस सोच रहे हो कि कुछ तो करना है। बेचने के बारे में जानते हो कुछ? सेलिंग के बारे में? तो कभी दिमाग में ये थॉट आई यार, सबने आईआईटी क्लियर करी है तो ये सपना तो ज़रूर लिया होगा कि यार ये BMW X6 या फिर ये मर्सिडीज़ कौन चलाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वाले नहीं चलाते, ट्रस्ट में। अगर आपको यार उतना अर्न करना है तो किसी के लिए काम करके या फिर एक सोर्स से उतनी अर्निंग नहीं आती, आपको मल्टीपल सोर्सेज से अपनी अर्निंग करनी होती है, राइट? इंडिया में यार एक चीज़ होती है, बेचना। बेचने को बहुत बुरा माना जाता है, यस और नॉट? कौन सी नौकरी चाहते हो भाई? सरकारी होती है, प्राइवेट होता है और बिजनेस होता है। सरकारी की सबसे ज़्यादा इज्जत है ना। मैं अभी गाँव में गया था थोड़े दिन पहले, तो गाँव में क्या है कि यार ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं कि भाई क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो मैं इग्नोर करता हूँ इस आंसर को ज़्यादातर। मैं बोल देता हूँ पढ़ रहा हूँ, अभी तो पढ़ ही रहा हूँ, अभी तो कॉलेज ही चल रहा है। फिर जो जगह पास के होते हैं उन्हें आप ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट वो बोलते, नहीं बता ना क्या कर रहा है, कॉलेज तो 4 साल का था। तो बताता हूँ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे आधे पौन घंटा लगता है। उन्हें कुछ कुछ समझ में आता है और लास्ट में उनका ये होता है, अरे भाई इससे बढ़िया तो सिपाही लग लेता फौज में। तो वहाँ पे अभी भी यूँ सोचते कि यार सरकारी नौकरी हो तो बहुत बढ़िया है। अब सरकारी नौकरी यार उसमें कोई इशू नहीं है, पर सरकारी नौकरी लेने का पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए। काफ़ी लोगों का पर्पस ये होता है कि फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मतलब एक बार मेहनत करनी है उसके बाद एक बार मिली, आ हा हा अब मैं अपने हाथ पैर चौड़े करके मस्त बैठूंगा। मान लो तुमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया 22 साल की उम्र में और उसके बाद तुम ग्रो ही नहीं कर रहे, सिर्फ पेट ग्रो कर रहे हैं। अगर तुम्हारा पर्पज़ ये है सरकारी नौकरी क्रैक करने का कि भाई मेरे को कुछ चेंज लाना है, मेरे को IPS इसलिए बनना है क्योंकि मेरे को फील्ड में जाके काम करना है, वो समझ में आता है। मेरे को आर्मी में इसलिए जाना है क्योंकि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, वो समझ में आता है। मेरे को सरकारी में इसलिए जाना है क्योंकि ठंडे पड़ जाओगे। मेरे पापा ने एक बार एक कोट बोला था कि यार जो पढ़ लिख लेते हैं ना उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उनकी जॉब लग जाती है। जो थोड़ा और पढ़ लिख लेते हैं उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, और जो उतना नहीं पढ़ते वो मार्केट में घुसते हैं, और फिर जिसमें जुनून होता है वो उस मार्केट में से चीज़ को उठा के लाता है। तो सेलिंग हमारे इंडिया में यार यूँ माना जाता है बेचना सबसे ख़राब चीज़ है। मोदी जी ने ये बोला था कि पकौड़े वाले बन जाओ और हंगामा हो गया था, यस और नॉट? मैंने DDU कॉलेज के अंदर एक सेमिनार लिया था जहाँ मैंने बताया था कि ये छोटे छोटे जो स्टॉल होते हैं जो चलते हैं वो कैसे कैसे महीने के लाख लाख, दो दो लाख, एक मोमोज वाला कैसे 2.5-2.5 लाख कमाता है। क्या मोदी जी ने गलत कहा था? ये तो हमारी मेंटालिटी खराब है ना यार, कि हम बेचने को खराब मानते हैं। ग्रेट। अगर आप चाइना में जाओगे वहां पे बेचना इज सरकारी नौकरी। तुमने बनाया, क्रिएट करा, बेचा, वाह, तुम बाहर के देश का पैसा अंदर लेके आए, यस और नॉट? अभी जब थोड़े देर साल पहले चाइना का सारा माल हमारे कंट्री में आ रहा था तो हम स्मार्ट बच्चों ने क्या सोल्यूशन निकाला था? हम उनका खरीदेंगे नहीं, फिर वो बेचेंगे क्या? हम अकेले मार्केट नहीं है, वो पूरी दुनिया को बेचते हैं, पहली बात। और हमें खरीदना पड़ेगा भाई, चीज़ चाहिए तो चाहिए ना। बेटर सॉल्यूशन ये नहीं होगा कि हम भी बेचना स्टार्ट कर दें? आपके पास दो ऑप्शन हुए, एक कंपनी है चाइना की, एक कंपनी है इंडिया की, कौन सी से खरीदोगे? मेड बाय इंडिया, मेड बाय चाइना? इंडिया ना। अभी मैं वॉशिंग मशीन खरीदने गया जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब सिर्फ कंपनी का फर्क था और फीचर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वाईफाई एक में नहीं है, इस प्रकार का। मेरा आखिरी फैक्टर पता है क्या था? इंडिया की कौन सी है इसमें से, और मैंने वो जाके परचेज कर ली, ऑल्दो वो थी भी सबसे प्रीमियम ब्रांड। अगर हम सेल करेंगे तो हमारे देश के लोग हमारा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, यस और नॉट? इतनी देशभक्ति तो सबके अंदर है, बाय बर्थ डिफॉल्ट है ना ये तो, एल्गोरिथम, ग्रेट। तो हमें बेचना आना चाहिए। अच्छा, कौन लोग होते हैं जो अमीर होते हैं? वाइट शर्ट, बिजनेसमैन होते हैं। क्या करते हैं वो? बेचते हैं। तो बेचना खराब चीज़ तो नहीं है, तो हमें बेचना आना चाहिए, हमारे अंदर वो स्किल नहीं है। हम यार एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बड़े हुए हैं जहाँ पे बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया जिससे कि 12वीं के बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकें, और स्कूल में JEE मेंस वगैरह, तुम IIT वाले तो भाई JEE मेंस वगैरह, एडवांस वगैरह, यस और नॉट? एजुकेशन इतना है,
इसके अलावा ना इतना मार्केट बचा पड़ा है पूरा का पूरा। अच्छा आप बेचते हो तो क्या चीज़ बेचते हो? हाँ खड़ा, लोगों की ज़रूरत। अच्छा सब दुकानों में गए ना रेडी में फल फ्रूट खरीदने? यस। जब आप यार सब्जी में से कोई मार्केट में से कोई सब्जी खरीदने जाते हो, कोई रेडी वाला होता है, मान लो 40 किलो 40 रुपए पर किलो दे रहा है, क्या करते हैं सबसे पहले? बार्गेन, यस और नॉट? वही चीज़ अगर तुम किसी शोरूम में जा रहे हो कपड़े खरीदने, ब्रांडेड है H&M, उसने बोला 2000, क्या चीज़ पूछोगे मार्क्स में? भैया डिस्काउंट है तो बता दो कोई, इससे ज़्यादा तो नहीं जाओगे ना? ऐसा तो नहीं भाई 1500 दे ले भाई? नहीं ना, क्या फ़र्क था? वही चीज़ मैं सरोजनी में बेचूंगा 400 रुपए की? नहीं भाई 350-400 तो बहुत महंगा। यस और क्या फ़र्क था? ब्रांड का। क्या मैं बोल सकता हूँ उसने आपको शर्ट बेचने से पहले अपना शोरूम बेचा है? तुमने देखा है, ओ हो ये तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क था। क्या मैं बोल सकता हूँ आप सबसे पहले खुद को बेचते हो? येस और नॉट? भाई तुम्हारे घर में कोई बेचने आया, सबसे पहले तुम उसको जज नहीं करोगे अच्छा क्या आप कपड़े पहन रखे हैं, और चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो और चाहे भाई प्राइस भी बहुत अच्छा हो। मैं तुम्हें अभी बोलूँ कि भाई आईफोन है नया 10,000 रुपये में मिल रहा है, पर ऐसे एक रैंडम सा ऐसे कच्चे बच्चे में आ गया पहन के आ जाए तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में दो चीज़ें चलेंगी, चाइना का होगा, चलता ही नहीं होगा, झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। येस और नॉट? तो सबसे पहले तुम खुद को बेचते हो। कोई सेकेंड चीज़? ट्रस्ट। मैं और तुम पहली बार मिले, ट्रस्ट कर लोगे? हाँ इमोशंस, मतलब सर कि अगर इमोशंस सेंटी कर देगा बेचते वक्त माँ भी मारे। इमोशंस, जब आप यार खुद कोई चीज़ बेचने जाते हो जस्ट बी योरसेल्फ, अगला आदमी बेवकूफ़ नहीं है ना, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन कम होती जाती है ना उतना उनका लोगों की जानने की पहचान ज़्यादा अच्छी है, समझ रहे हो, क्योंकि उन्होंने बचपन से लोगों से ही बात करी है, तो तुम फेक करोगे अगला पकड़ जाएगा। येस और नॉट? कोई ख़राब चीज़ होती है, बंदा सही नहीं लग रहा यार ये, येस और नॉट? अरे वेबसाइट भी शेडी लगती है, वहाँ से नहीं खरीदते यार, आगे ना। एक बार यार एक सेमिनार था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उनके हाथ नहीं थे उनके पैर नहीं थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार मेरे को, हाँ मैं थोड़ा सा डिसेबल्ड हूँ, पर वो आदमी जिसके पास लाइफ में कोई पर्पज ही नहीं है कि भाई मैं जी क्यों रहा हूँ अपनी ज़िंदगी, मैं पैदा हुआ हूँ मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, वो मेरे से ज़्यादा डिसेबल्ड है। येस और नॉट? तुम्हारी लाइफ का पर्पज़ क्या है सोचा है कभी? क्या पर्पज़ है? सक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? पैसा। तो तेरे पास बहुत सारा पैसा हो पर तेरी हेल्थ खराब हो गई तो चलेगा? तेरे पास बहुत सारा पैसा है, तेरे पास हेल्थ भी अच्छी है, पर तेरी बीवी तेरे को मारती है, अब चलेगा? हाँ वो बीवी से बचाएंगे, रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए फैमिली के साथ भी, दो चीज़ होती हैं यार, एक होता है सक्सेस, सक्सेसफुल लोग बहुत होते हैं, सबकी अपनी डेफिनेशन है, बहुत सारा पैसा कमाना है, एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक अच्छी फैमिली हो, एक हैप्पी लाइफ हो, ये एक एक डोमेन्स हो गए, समझ रहे हो, फिजिक्स में अच्छे नंबर, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर, मैथ्स में अच्छे नंबर, राइट, सबका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, पर सबके सारे सब्जेक्ट जब स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होता है फुलफिलमेंट, पॉइंट समझ गए? फुलफिल्ड लोग नहीं होते, बहुत कम होते हैं, अगर यहाँ पे 100 सक्सेसफुल हैं तो एक फुलफिल्ड होगा, समझ रहे हो? भाई तुम पैसे के पीछे भागोगे तो फैमिली के लिए टाइम नहीं बचा, या हेल्थ के लिए टाइम नहीं बचा, हेल्थ के पीछे भागोगे पैसा भाग गया, ओहो हाँ कि ना, लाइफ में फुलफिलमेंट ज़रूरी है ना। अच्छा ये चीज़ पता है, अभी जितने लोग अलाइव हैं इतने कभी मरे भी नहीं हमारी धरती पे, बहुत लोग यार जिंदा हुए मरे उन्हें हिस्ट्री याद भी नहीं रखता, किसी के अंदर कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा करना है कि लोग याद रखें, चाहे 2 लोग याद रखें, 4 लोग याद रखें, 5 लोग याद रखें, 100 लोग याद रखें, 10,000 याद रखें। येस और नॉट? अरे भाई खुद के लिए तो जानवर भी खा लेता है, एक हाथी जो चल रहा है वो भी खुद के लिए तो कर ही लेता है, हाँ कि ना, कोई 30,000 कमा रहा है तुम 1,00,000 रुपए कमा लोगे, इतना ही तो फर्क है भाई, वो छोटी सेडान में चल रहा था तुम SUV में चल लोगे कॉम्पैक्ट, इतना ही तो फर्क है, तो खुद के लिए तो सभी कर रहे हैं, जानवर भी करता है, तो यही विजन था क्या? 12वीं तक लोगों में क्लास होती थी, हमें शर्म आती थी ना डाउट पूछने में, टीचर क्या बोलेंगे, साइड वाला क्या सोचेगा, ये भी नहीं आता, वो चीज़ कॉलेज के बाद नहीं बचनी चाहिए, कुछ भी करो। कोई है जिसका भाई कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो, जिसमें
कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं ठीक है, तो तू आ जा, आ जा, आ जा, डर क्या रहा है, किससे डर रहा है? जब हम स्कूल में थे, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे थे स्कूल में, तो यहाँ पे कितनों से बात होती है अभी तुम्हारी, उनमें 50 में से 5-6 कोई है, 1-2, 10 से बात हो जाती है, इतना टाइम मिल जाता तुम्हें? क्या कह रहे, करना ही क्या भैया मेहनत का काम तो कर लिए हम ओके तो तेरे पास 2 मिनट है, ठीक है, तो ये माइक पकड़ और अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ भी पकड़। अरे आना यार, अच्छा चल अपन आपस में बात कर लेते हैं। तो तेरा नाम क्या है? जुनैद। जुनैद, कितने साल का है? 19। 19, कोई गर्लफ्रेंड बनाई? नहीं। नहीं, क्या रीज़न क्या रहा, प्रॉब्लम क्या थी बता अपॉर्चुनिटीज कम है या प्रतिभा कम है, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है भैया भगवान ने प्रतिभा दी है पर साधन नहीं दिए अच्छा एक बार ऐसे करते हैं, यस बोल जोर से, यस यस, थोड़ा और जोर से, यस नहीं यस, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से, यस बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। ये एक बार कर लेना, चांस मिलेंगे, तुम्हारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आएगा तब तुम्हें समझाना होता है, ठीक है, तुम्हारा और बहुत प्रोजेक्ट आते हैं, क्लास में टीचर असाइनमेंट देते हैं जो समझाना होता है, तो एक बार ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है, या किसी ड्रामा सोसाइटी में, ठीक है, या टिकटॉक पे मुजरा कर लो, जो भी करना है तुम्हें पर चीज़ करनी है। पता है ना इस चीज़ का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, मान लो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर अपॉर्चुनिटी और तुम्हारे बीच में सिर्फ डिफरेंस ये है, तुम्हें यहाँ पे स्टेज पे आना पड़ेगा और तुम शर्म के मारे, अरे नहीं 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 अभी तो पकड़, अभी कहाँ कंप्लीट। चल तेरा नाम क्या बताया तूने? चलिए 5 बार बोलते हैं, मेरा नाम जुनैद है, जोर जोर से, हाँ हाँ, किससे डर लग रहे है? मैं भी तो बोल रहा हूँ, मेरा नाम जुनैद है, 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 ठीक है। अब सब यार एक एक्सरसाइज करते हैं, हाँ ताली बजाओ, ये होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज, समझ रहे हो, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज लाइफ में ऐसा ना बहुत सारे मोमेंट मिलेंगे, जरूरी नहीं है हर जगह स्टेज पर आके बोलना हो, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ कर लेनी है, उससे पूरा फर्क पड़ जाएगा। तुम खड़े हो, तुम, हाँ तुम्हारी जॉब लग गई है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, खुश खुश हो जा, खुश हो जा, अरे विजुअलाइज तो कर, पहुँच तो वहाँ पे, हाँ, और तू 27 साल का है या मान ले तू 24 साल का है, ठीक है, और तू अपने पेरेंट्स के पास जाता है, पिताजी पिताजी मिलिए नेहा से, ठीक है, हो सकता है पिताजी नाराज हो रहे हो, हाँ कि ना, क्या कह रहे हैं, पापा बहुत चिल हैं, यस और नॉट। लाइफ में कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं जहाँ पे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स खुश ना हो, सोसाइटी खुश ना हो, जैसे कि मेरी सोसाइटी चाहती थी कि यार इससे बढ़िया तो सिपाही लग लेता, हाँ कि ना, हो सकता है सोसाइटी खुश ना हो, तो उन्हें नाखुश करना है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। तो जब मैंने प्लेसमेंट छोड़ी थी तो मैं अपने 3rd ईयर तक अर्न कर रहा था, तो मेरे पास एक रीज़न था ना छोड़ने का, कि मैं इतना कमा रहा हूँ फुल टाइम करूँगा तो ज़्यादा ले जाऊँगा, येस और नॉट, ये 0 कमा के बोले पापा जी प्लेसमेंट छोड़नी है तो ये खराब हो गया, मतलब इसमें अभी छोटे छोटे केसेस हैं। तुम ऑलरेडी बहुत लोग स्मार्ट हो, ठीक है, हाँ कि ना, यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम ऑलरेडी 1% में हो, पर 1% का भी एक 1% होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि सैक्रिफाइस मारनी पड़ेंगी, कभी कभी पंखा दूर जाके बंद करना पड़ेगा और कभी कभी लोगों को नाराज करना पड़ेगा। तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं भाई ये तो सबने से बताया होगा ना, चल पार्टी करने चलते हैं, तुम मना किया ना 12वीं में सबने, एक अच्छा रिजल्ट, सेम चीज़ अब आगे भी करनी है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होती है यार ग्रेटफुल, हाँ ग्रेटफुल जो चीज़ हमारे पास पहले से ही है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ, जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें खुश रहना, ठीक है, तुम 1,00,000 रुपए कमाते हो, एज्यूमिंग कि ये तो कर ही लोगे तुम सब, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 1,00,000 तो तुम कमाते हो, तो उसमें खुश रहना, क्योंकि ये काफ़ी 99% मेजॉरिटी है जो नहीं कमाती। हमें एम्बिशन रखना है बड़ा, पर ग्रेटफुल रखना है उस चीज़ों के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बार बारिश हो रही है तो मैं क्रिकेट खेलना था, कंट्रोल कर सकते हो? नहीं ना, ग्रेट, तुम शेयर मार्केट में लगा रहे हो, तुम्हारी जैसी फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई, तुम कंट्रोल कर सकते हो, यस और नॉट,
नो no. पर लाइफ में काफी चीजें जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो, उन चीजों पे नहीं रोना जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हाथ में नहीं है उनके बारे में टेंशन नहीं लेनी। यस, तो एक इस पे स्टोरी सुनते हैं। तो एक बच्चा था, यंग, ये रियल स्टोरी है। 18 साल की उम्र में उसे कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद बताया डॉक्टर ने कि एक पैर काटना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद सर्वाइवल के चांस है 15%। ठीक है, तो पैर कट रहा है, सर्वाइवल चांस भी 15%। तो ऐसे में यार आप होप छोड़ देते हो ना, बच भी गया तो क्या लाइफ होगी मेरी। यस और नॉट? यस। कैंसर को कंट्रोल कर सकता था वो? नहीं। ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी को? नहीं। उसने एक और बंदे को देखा जिसकी एक टांग कटी हुई थी और वो मैराथन भाग रहा था। उस बंदे को देख के उसे लगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद उसने अपनी मैराथन स्टार्ट करी। उसने एक कैंपेन चलाया कि वो हर दिन मैराथन करेगा अक्रॉस कैनेडा। ये कैंपेन $26 मिलियन इकट्ठा करके लाया। ऑल दो उसके बाद यार उसकी डेथ हो गई थी, पॉइंट वो नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। दो एंड हो सकते थे, एक वो नॉर्मली मर जाता, एक वो $26 मिलियन और एक इम्पैक्ट डाल के गया सोसाइटी के ऊपर, एक एग्जाम्पल सेट करके गया। यही तो होता है पर्पज ऑफ लाइफ, हाँ कि ना? जो चीज़ें तुम्हारे पास थी उससे चीज़ें उखाड़ना। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें BMW X6 खरीदनी है, कॉम्पैक्ट SUV सिंगल से चल जाती है, BMW के लिए चाहिए, चीज़ समझ में आई? तो तुम इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक है वो, बाकी के 3-4 कहाँ हैं? पढ़ाई पे? ओहो, क्या कर रहे हो अभी तू? तूने कुछ करा था है नहीं, 6 महीने बीत गए, कोई स्किल तो है नहीं तेरे पास। कितनी समर ब्रेक होती है? विंटर ब्रेक 3.5 महीने है ना तुम्हारे, तो 3.5 बताए थे ना, 3 ले लेते हैं। सैटरडे संडे कितने? 104। तो भाई 3 महीने का निकाल देते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी हॉलीडेज थे, तो 75% कितना हुआ 104 का, जल्दी करो। ऑलमोस्ट 75-76 ही हुआ। तो इतने दिन और, तो कितने हो गए? 2.5 महीने, तो 3.5-5.5 महीने तो पूरे खाली हैं। 5.5 महीने तो पूरे खाली हैं, मतलब तू सो सकता है 24 घंटे। जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी तुम कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं रहे हो, ये तुम्हें भी पता है। येस और नॉट? भाई तुम आते हो नेटफ्लिक्स के सारे देखे हैं ना, बस सही 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 बताना। तो अभी जो तुम्हारे पास टाइम है अभी रिस्क ले सकते हो ना, पत्नी पति इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी ना, 2 बच्चे, तो अभी तुम कोई रिस्क उठाते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स किसको होंगे? सिर्फ तुम्हें ना, कल को एक पूरे परिवार पे हो रहे होंगे। यस, तो क्या राइट टाइम नहीं है रिस्क उठाने का? परफेक्ट खाली टाइम। ठीक है, एक आखिरी चीज़ जो हम गाड़ी में ऐसे चलते चलते डिस्कस कर रहे थे, तो बब्बर बोल रहा था कि मैं स्कूल में यार कुछ और वर्ड यूज़ नहीं यूज़ किया था, बेवकूफ़ बच्चों के साथ था तो मेरे को वैसा सा ही एनवायरनमेंट मिला। फिर मैं जब ऑफिस में गया तो हैदराबाद में एक अलग एनवायरनमेंट था, तो मेरी वैसी सी मेंटालिटी हुई। अब मैं दिल्ली में गुड़गांव में आ गया हूँ तो मेरी अलग थिंकिंग है, अब मैं तुम भी लोगों के बीच में हूँ तो मेरी अलग थिंकिंग है। ये चीज़ सुनिए ना, शो मी योर फ्रेंड्स आई शो यू योर फ्यूचर। लकीली तुम्हारे सारे फ्रेंड्स IITians हैं तो वो दिक्कत नहीं है, तो क्या करें? कहाँ से लाएं नए फ्रेंड्स जो कि उस लेवल का सोचते हो? कहाँ से लाएं? मेंटर्स बना लो। मेंटर समझ में आता है? कुछ मेंटर होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो फेस टू फेस, कुछ होते हैं जिनसे आप बात नहीं कर सकते, वो या तो किसी किताब के थ्रू आपके दोस्त होते हैं, किसी कोर्स के थ्रू आपके दोस्त होते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? किसी मोटे बच्चे के लिए ऋतिक रोशन एक मेंटर हो सकता है। फील समझ गए? यस और नॉट? ऐसी ऑनलाइन वीडियो सर्च करे, उन्होंने कुछ बता रखा है डाइट, तो वो मेंटर हो गए। यस और नॉट? जिनसे तुम इन्फ्लुएंस होते हो, तो ये एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है ना। इसी के साथ चलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।